हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अदरक की क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये अदरक की क्रीम आपके स्किन पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों को और डार्क स्पॉट्स या किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जो आपकी स्किन पर है उनको सिर्फ 10 से 15 दिन में जड़ से खत्म कर देगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर और स्पॉटलेस बनाएगी। तो ये अदरक की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अदरक का रस। और अदरक का रस बनाने के लिए हमको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको छील लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और अदरक को अच्छे से छीलने के बाद अब हमें इसे पीस लेना है। और यहाँ पर मैं माम दस्ते का यूज कर रही हूँ इसको पीसने के लिए। सिर्फ आपको अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना है और इसको अच्छे से इमाम दस्ते में या किसी ग्राइंडर में पीस लेना है। और अदरक को अच्छे से पीसने के बाद आपका अदरक का पेस्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। और अब हमें इस अदरक के पेस्ट को एक कॉटन के कपड़े पे रखकर अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि अदरक का सारा रस निकल जाए। और अदरक का रस निकालने के बाद तो चलिए अब देखते हैं कि अदरक की क्रीम कैसे बनाई जाए। और अदरक की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में एक बड़ी चम्मच अदरक का रस लेना है। अब इस अदरक के रस में आपको एक चम्मच शहद डालना है। शहद डालने के बाद अब यहाँ पर मैं एक चम्मच बादाम का तेल डाल रही हूँ। और अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और बादाम का तेल डालने के बाद अब मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल जाए। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है जो कि है एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं दो बड़ी चम्मच एलोवेरा जेल डाल रही हूँ और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनाए। और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी जिंजर क्रीम यानी कि अदरक की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ, क्रीमी और फ्लफी होनी चाहिए और इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। और इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ एक एयरटाइट कंटेनर में इस क्रीम को डालना है और इसको फ्रिज में 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अदरक की क्रीम को कैसे यूज किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। और इस अदरक की क्रीम को इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ये क्रीम जरा सी लेनी है और अपने फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई करके जेंटली मसाज करना है 30 से 40 सेकेंड्स के लिए। और इस क्रीम को अपनी स्किन पर जेंटली मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है। और अगर आपको इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार यूज करनी होगी, पहले सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।